दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें टेक्निकल यू को, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में। मैं ही ओगेश, मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ। आप जियो फोन अगर आपने बुक किया है, आप बुक करना चाहते हैं, तो जियो फोन की डिलीवरी के बारे में बात करते हैं। अगर आपने जियो फोन बुक नहीं किया है तो आपको सिंपली 1 अक्टूबर के बाद में जियो फोन की बुकिंग स्टार्ट फिर से होने वाली है। तो इसका मतलब ये होता है, जियो फोन की अगर 1 अक्टूबर के बाद अगर जियो फोन की बुकिंग चालू होने वाली है, तो जियो फोन की डिलीवरी आपने अगर बुक किया है तो आपको तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर जियो फोन मिलने वाला है। अगर जियो फोन अगर आपने बुक किया है, आपको अगर SMS आता है इस तरीके का, सपोज इस तरीके का, अगर आपको जियो फोन की जियो की तरफ से अगर SMS आता है, तो इसका मतलब है आपका फ़ोन जियो स्टोर वाले के पास आ गया है। यहाँ पर स्टोर डिटेल्स भी इस तरीके के SMS में आपको मिल जाएगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये SMS उसके साथ में 1000 रुपीज़, उसके साथ में एक आधार प्रूफ आईडी आपको साथ में ले जाना होगा, उसके बाद में 153 रुपीज़ आपको साथ में ले जाने हैं जियो स्टोर वाले के पास। जब आप वहाँ पर जियो स्टोर पर जाओगे, तब आपके पास अगर पुराना वाला जियो का सिम है तो वो पुराना वाला जियो का सिम आप यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको फिर से नया वाला जियो का सिम लेना होगा। जो कि ग्रीन सिम आ गया है अब जियो का, वही ग्रीन सिम आपको जियो फोन में यूज़ करना है। आपका अगर ऑलरेडी जियो का सिम है तो वो चलेगा नहीं। सिंपली इस तरीके का कुछ, इस तरीके का जियो का फ़ोन है, जियो का सिम है वो ग्रीन कलर का सिम, आपको यही ग्रीन कलर सिम कार्ड लेना है, वही सिम कार्ड उस फ़ोन में चलेगा जियो फ़ोन में। जैसे कि आपको नया सिम कार्ड परचेस करना है तो आपको आधार नंबर लगेगा, उसके साथ में 153 रुपीज़ आपको लगने वाले हैं, जो कि प्लान है 153 रुपीज़ का। उसका रिचार्ज भी आपको क्विकली करना होगा, उसके साथ में आपने पहले ही 1500 रुपये डिपॉजिट दे रखे, 500 रुपीज़ डिपॉजिट दे रखे, तो उसके साथ में आपको ले जाने होंगे 1000 रुपीज़, जो कि बाकी रह जाते हैं 1000 रुपीज़, उसके साथ में 153 रुपीज़ रिचार्ज के। उसके बाद में आधार आईडी ले जाना होगा, जिसके साथ eKYC होगा, उसके साथ में सिम एक्टिव वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद में आपको जियो फोन मिल जाएगा। तो जियो स्टोर पर जाते समय इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए, और कुछ इस तरीके का SMS आने के बाद जियो स्टोर पर आप चले जाइए। अगर आपको पता ही नहीं है जियो स्टोर का एड्रेस क्या है, तो आप सिंपली माई जियो पर चले जाइए। माई जियो ऐप में जियो स्टोर की डिटेल्स है, वहाँ पर जियो स्टोर की डिटेल्स चेक कर लीजिए और वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपको कोई SMS भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ पर भी जा सकते हैं, सिंपली आप माई जियो ऐप में चले जाएँ। बट अगर आप जियो यूज़र नहीं है, आप अदर यूज़र हैं, आपने ऑर्डर नंबर दे रखा है जियो सिम बुकिंग के लिए, तो सिंपली आप जो कि जियो का नंबर होता है 1800-899-8999, जो नंबर है आप उस पर कॉल कीजिए, वहाँ पर भी आपको जियो फोन की डिटेल और स्टेटस मिल जाएगी। नहीं तो सिंपल जियो कस्टमर केयर पर कॉल कीजिए और उन्हें आपका नंबर बताइए, वो आपको आपके जियो फोन की स्टेटस बता देंगे। तो दोस्तों इसके बारे में और भी अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।